दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे गैजेट्स जो कि साइज में तो बेहद छोटे रहेंगे लेकिन उनके यूजर्स अपने आप में काफी कमाल के रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं मल्टी टूल स्मॉल गैजेट सीरीज की। नंबर 10, राइनो की। जब आपके पास होती हैं काफी सारी चाबियां और उन्हें एक की चेन में रखकर अपने साथ रखना होता है तो पॉकेट में उन्हें रखना बेहद मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनका वेट के साथ साथ साइज भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करा देती हैं। तो ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की चेन को जो कि काफी ज्यादा मजेदार रहेगी। इस की चेन की खास बात ये होती है कि इसमें आप काफी सारी चाबियों को एक साथ लगा सकते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल केवल आप की चेन के तौर पर ही नहीं कर पाएंगे बल्कि यहाँ पर आपको एक मल्टी टूल गैजेट भी दे रखा होता है जिसका इस्तेमाल आप एक बॉटल ओपनर, कैन ओपनर और एक स्क्रू ड्राइवर के तौर पर भी कर सकते हैं। और यही नहीं, इसमें एक छोटी सी एलईडी टॉर्च भी इनबिल्ट रहती है जिसे कि रात के समय में लॉक्स को ओपन करने में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। तो अगर आप भी अपने कीज को ऑर्गेनाइज वे में अपने पास रखना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस छोटे से गैजेट को। नंबर 9, सी मैजिक इलेक्ट्रिक नेल क्लिपर। ज्यादातर नेल्स काटने के लिए नेल्स कटर्स का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप उनसे अपने नाखून काटेंगे तो वो उछलकर काफी दूर जा गिरते हैं जिससे कि इधर उधर नेल्स यूं ही फैल जाते हैं और कभी अगर आपकी नजर चूक जाए तो आपकी स्किन भी उस नेल कटर्स की ब्लेड के नीचे आ जाती है जिससे कि हल्का फुल्का कट भी लग सकता है। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं एक ऐसे गैजेट को जो कि इन दोनों ही चीजों में आपकी हेल्प करेगा। ये एक तरीके का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक नेल क्लिपर होता है जिसका इस्तेमाल आप नेल्स को ट्रिम करने के लिए कर पाएंगे। जैसे ही इसे ओपन करते हैं इसमें ब्लेड्स लगे होते हैं और आप अपने नाखूनों को जब इस पर लगाते हैं तो वो अच्छे से इसे ट्रिम कर देते हैं जिससे कि किसी भी तरीके का कूड़ा भी नहीं फैलता है और सारा का सारा वेस्टेज इसके पीछे की तरफ बने एक छोटे से सेक्शन में कलेक्ट होता रहता है जिसे कि आप बाद में जाकर साफ कर सकते हैं। इस तरीके का नेल कटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के लिए भी क्योंकि पूरी तरीके से सेफ होता है जिससे कि स्किन के कटने का खतरा कोई भी नहीं रहता। वहीं ये साइज में एक ईयरपॉड के केस के साइज का होता है जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 8, इन्फिनिंग। दोस्तों ह्यूमन नेचर होता है कि जब हमारे हाथ में एक ऐसी छोटी सी चीज आती है जिसके पार्ट्स मूवेबल होते हैं तो हम उसे हाथ में लेकर खेलना शुरू कर देते हैं फिर वो चाहे एक पेन ही क्यों ना हो। दरअसल जब हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं किसी चीज पर या फिर कोई बहुत गहन चिंतन करते हैं तो ऐसे में ये सब चीजें हमारे फोकस बढ़ाने में और भी ज्यादा मदद करती हैं। तो अगर आप एक ऐसा ही गैजेट चाहते हैं जिससे कि अच्छा खासा टाइम पास भी हो जाए और आप अपने हाथों को बिजी रख पाए जब आप फोकस कर रहे हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जिसमें कि एक सिरे पर तो स्पिनर लगा होता है और दूसरे सिरे पर काफी सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं जिन्हें कि आप मूव कराकर खुद को एंगेज कर सकते हैं। वहीं फोकस बढ़ाने में इस तरीके की चीजें बेहद हेल्पफुल होती हैं और बच्चों को भी इस तरीके के गैजेट्स बेहद इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये छोटा सा टाइम पास गैजेट कैसा लगा और इसी तरीके के मजेदार गैजेट्स देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 7, सर्फ शीट। बीच पर लेटकर समय बिताना किसे पसंद नहीं होता और बीच अगर ऐसा हो जहां पर बहुत कम लोग हो तब तो इसका मजा ही कुछ और होता है। तो अगर आप अपने साथ एक ऐसा सेटअप ले जाना चाहते हैं जिससे कि आप बीच पर आराम से लेट सकें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। इसमें आपको एक काफी बड़ी सी शीट मिल जाती है जिसमें आपको चारों तरफ एक बॉर्डर भी मिल जाएगा जिससे कि किसी भी तरीके के कीड़े मकोड़े आपकी शीट तक ना आ सके। यही नहीं, इस शीट को लगाने के लिए आपको चार छोटे छोटे सैंड बैग्स मिल जाते हैं जिसमें कि आप बालू भर के इसके चारों कोनों पर लगा सकते हैं जिससे कि शीट एकदम प्रॉपर वे में लगी रहती है और आपको बीच का स्पेस मिल जाता है लेटने के लिए जिसमें कि आप एक लंबे समय तक बीच पर आराम कर सकते हैं। तो अगर आप भी मजे करना चाहते हैं गर्मी की छुट्टियों में किसी बीच पर जाकर तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को जो कि अपने आप में काफी अमेजिंग है। नंबर 6, ईडेक ओपनर। अगर आप एक बॉटल ओपनर खरीदना चाहते हैं तो ये बॉटल ओपनर आपको काफी इंटरेस्टिंग इसलिए लगने वाला है क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ आप बॉटल्स ओपन करने के लिए ही नहीं बल्कि एक छोटे से मल्टी टूल गैजेट के तौर पर भी कर पाएंगे। इसमें आपको बॉटल ओपनिंग ग्रिप दे रखी होती है जिससे कि बॉटल्स और कैंस वगैरह को तो आप ओपन कर ही सकते हैं। वहीं इसकी शार्प नाइफ का भी इस्तेमाल आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर पाएंगे। साथ ही ये आपको स्क्रू ड्राइवर्स के भी ऑप्शन देता है जिससे कि इसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर किया जा सकता है और ओवरऑल इसका साइज बेहद कॉम्पैक्ट सा होता है जिसे कि आप अपनी कीचेन के साथ लगाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। नंबर 5, जीपीसीए कार्बाइनर। कार्बाइनर क्लिप्स का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर कई जगह किया जाता है। नॉर्मली इसकी जरूरत की बात करी जाए तो ये सामान वगैरह को बांधने में बेहद हेल्पफुल होता है या फिर किसी चीज को अगर आपको टाइटली ग्रिप करना है तो वहाँ पर इस तरीके की क्लिप्स बेहद यूजफुल रहती हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी कार्बाइनर क्लिप दिखाने वाला हूँ जो कि सिर्फ एक क्लिप की तरह नहीं बल्कि आपके लिए एक मल्टी टूल गैजेट की तरह भी काम करेगी। इस क्लिप में आपको एक बॉटल ओपनर, कैन ओपनर, बॉक्स कटर और नकल्स जैसे बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स मिल जाते हैं जो कि बेहद यूजफुल रहते हैं। इसका इस्तेमाल आप एक यूनिवर्सल साइज
यूटिलाइज स्क्रू ड्राइवर के तौर पर भी कर पाएंगे, जिससे कि इसकी यूटिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो एक कार्बाइनर क्लिप होने के साथ साथ ये एक कमाल का मल्टी टूल गैजेट भी होता है, जिससे कि आप इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरीके का गैजेट कैसा लगा। नंबर 4, ट्रेवेक्स कॉन्टोर वॉलेट। वॉलेट का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा वॉलेट दिखाने वाला हूं जो कि सिर्फ एक वॉलेट ही नहीं होता, बल्कि इसका इस्तेमाल आप एक मल्टी टूल गैजेट के तौर पर भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, देखने में तो ये आपको एक यूनिक स्टाइल का वॉलेट लगेगा, जो कि खास तौर पर कार्ड्स वगैरह कैरी करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसमें आपको लेदर स्ट्रैप्स भी मिल जाती हैं, जिसमें कि आप काफी सारा कैश वगैरह भी लेकर कैरी कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, इसके कार्ड सेक्शन में आपको अलग अलग तरीके के बहुत सारे मल्टी टूल ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनकी जरूरत आउटडोर में कभी भी पड़ सकती है। जैसे कि इसमें आपको एक छोटा सा कटर दे रखा होता है, साथ ही इसका इस्तेमाल आप एक स्क्रू ड्राइवर के तौर पर भी कर सकते हैं, और बॉटल ओपनर और कैन ओपनर जैसे फीचर्स भी आपको इस वॉलेट में ही देखने को मिल जाएंगे, जो कि अपने आप में काफी यूनिक चीज रहती है। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको ये वॉलेट कैसा लगा, और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नंबर 3, टाई पैन 3.0 पैन। पेन का इस्तेमाल तो डेली रूटीन में हम सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेन का इस्तेमाल लाइफ सेविंग टूल पर किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, अब आप देखने वाले हैं एक ऐसा पेन जिसका इस्तेमाल आप एक पेन के साथ साथ एक लाइफ सेविंग टूल के तौर पर भी कर सकते हैं। साइज में ये पेन बेहद छोटा रहेगा, जो कि ब्रास और टाइटेनियम में आता है। इसकी कैप रिमूव करने के बाद आप इसका इस्तेमाल एक नॉर्मल पेन के तौर पर लिखने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह फंस जाए जहां पर आपको ग्लास ब्रेक करना हो, जैसे कि कार के अंदर, तो इसका इस्तेमाल आप एक ग्लास ब्रेकिंग टूल के तौर पर भी कर पाएंगे, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात रहती है। इसकी निब इतनी ज्यादा मजबूत रहती है, जिससे कि आसानी से किसी भी कांच को तोड़ सकती है। तो अगर आप एक कार ओनर हैं, तो इस तरीके के पेन को अपनी कार में रख सकते हैं, जिससे कि इमरजेंसी पड़ने पर आसानी से कोई भी ग्लास को ब्रेक करके बाहर निकल सके गाड़ी से। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको इस तरीके का छोटा सा पेन कैसा लगा। नंबर 2, वाइन मल्टी टूल कैप्सूल। किसी भी मल्टी टूल गैजेट की खास बात ये होती है कि वो साइज में जितना ज्यादा छोटा हो उतना ही बेहतर रहता है, और साइज में छोटा होने के साथ साथ आपको काफी सारे टूल्स के ऑप्शन भी मिल जाएं, ये बात उसे और भी खास बनाती है। तो दोस्तों ये गैजेट कुछ ऐसा ही होने वाला है, जो कि देखने में एक छोटे से कैप्सूल जैसा लगता है, लेकिन इसका इस्तेमाल अलग अलग सिचुएशंस पर काफी जगहों में किया जा सकता है। जैसे कि इसमें आपको एक छोटी सी नाइफ मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल आप एक बॉक्स ओपनर के तौर पर कर पाएंगे, और साथ ही आपको एक नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर और एक स्टार स्क्रू ड्राइवर जाता है, जो कि एक मल्टी टूल गैजेट में काफी डिमांड में रहता है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर किया जा सकता है अलग अलग तरीके से, जो कि इस गैजेट को काफी खास बनाती है। इस गैजेट को आप एक छोटी सी कीचेन के तौर पर कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 1, थिन स्पीकर। एक जमाना था दोस्तों, जब स्मार्टफोन की आवाज काफी लाउड हुआ करती थी, आप दूर से ही उनकी रिंगटोन को पहचान जाया करते थे कि ये कौन सा फोन है। लेकिन आजकल के जो स्मार्टफोन आ रहे हैं, उनकी आवाज काफी धीमी होती है, जिससे कि कभी कभी अगर आपको म्यूजिक एंजॉय करने का मन है, या फिर अगर आप मूवीज वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको ईयरफोन लगाना पड़ जाता है, क्योंकि स्मार्टफोन के स्पीकर से प्रॉपर साउंड आपको नहीं आ पाता, क्योंकि उनकी आवाज बेहद धीमी होती है। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के एक्सटर्नल स्पीकर्स को, जो कि खास तौर पर मोबाइल फोन्स के ही बनाए गए हैं। इन स्पीकर्स की खास बात ये रहती है कि ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, जिससे कि आप इसमें म्यूजिक प्ले कर पाएंगे। वहीं इसके निचले हिस्से पर एक छोटा सा वूफर भी लगा रहता है, जिससे कि आपको ठीक ठाक बेस भी मिल जाता है। तो इसका इस्तेमाल आप एक मोबाइल फोन कंपैटिबल स्पीकर के तौर पर कर सकते हैं, और अगर आपके पास आईफोन है तो ये आपके मोबाइल फोन के मैगसेफ से अटैच भी हो जाएगा, जिससे कि आप मोबाइल फोन के साथ ही इसे हमेशा कैरी कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा, और इस वीडियो सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, ये बात भी आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक भी कर ही दीजिएगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं, या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।